ये बिल जन्नतुल बकी के लिए यहाँ रसूल को दौड़ ली जामा मस्जिद मस्जिद खदीजा में दस्तखत की मुहिम चल रही है, जो कि सारे वर्ल्ड में चलाई जा रही है। और यहाँ रसूलपुर धोड़ली जामा मस्जिद में ये थोड़ी सी वीडियो भी ले लूँ, वीडियो भी ले लूँ थोड़ी सी। ये मस्जिद जामा मस्जिद रसूलपुर धोड़ली और यहाँ दस्तखत का सिलसिला जारी है बाकायदा रिबिल्ड जन्नतुल बकी के लिए। और ये सिग्नेचर होके यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएंगे और वहाँ से वो यूएन भेजेंगे। एक सेकंड हाँ, रिबिल्ड जन्नतुल बकी के उन्वान से एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई गई जो रसूल जामा मस्जिद रसूलपुर धोड़ली डिस्ट्रिक्ट मेरठ इंडिया में चलाई गई। इसके अलावा यहाँ पूरे इंडिया के अलावा सारी दुनिया में सारे वर्ल्ड में कैंपेन चलाई जा रही है। इसका हदफ और मकसद यही है कि जो इन्हदाम जन्नतुल बकी है, जो 8 शव्वाल 1344 में आल सऊद ने मज़ारात मुक़दसा यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मज़ार और दीगर आइम्मा अलैहिस्सलाम के मज़ार तोड़ दिए थे, उन्हीं तमाम मज़ारात को दोबारा से तामीर कराने के लिए हर साल ही प्रोटेस्ट होती आई हैं। लेकिन इस साल जन्नतुल बकी को पूरे 100 साल हो रहे हैं, तो ये सिग्नेचर कैंपेन ख़ास तौर से अलग से चलाई गई ताकि हमारी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सौंपे जाएं और वो हमारी तरफ़ से यूएन में इसे पेश करें और सऊदी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि ये मज़ारात जल्द अजल तामीर किए जाएं, ताकि जैसे जिस तरह करबला नजफ़ वग़ैरह की ज़ियारत से ज़ायरीन शरफ़याब होते हैं, उसी तरह जन्नतुल बकी की भी ज़ियारत हम जल्द अजल कर सकें।